हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं फिल्टर कार्ट की तरफ से। फिल्टर कार्ट जो कि एक्वाडाइन अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पे, ठीक है। तो आज हम आपको वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डायग्नोज करेंगे अपनी प्यूरीफायर को, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपकी कौन सी कार्ट्रेज आपकी ब्लॉक हुई है, ठीक है। बेसिकली उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानने के लिए आपको अपने प्यूरीफायर को आउटर कवर को खोल लीजिए। इसको खोल लीजिए। अब हम इन फिल्टर को चेक करेंगे कि कौन सा फिल्टर, ट्रबल शूट करेंगे कि कौन सा फिल्टर आपका चोक हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। जो भी आपका इनलेट सप्लाई की पाइप होगी, पहले तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो पानी का कनेक्शन है डायवर्टर वाल्व से ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अब इनलेट सप्लाई की जो पाइप है उसको निकाल लीजिए आप। सबसे पहले हम करेंगे जो कि कार्बन फिल्टर है। कार्बन फिल्टर, इस फिल्टर को चेक करेंगे कैसे पता चलेगा आपको कि ये चोक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके जो इनलेट पार्ट की जो पाइप है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और आउटलेट की, आउटलेट पे भी जो पाइप लगी है उसको ओपन कर दीजिए। अब जो आपकी वाटर की सप्लाई की जो पाइप है, इनलेट पाइप, उसको इस फिल्टर के इनलेट में दे दीजिए। लेकिन जो आपकी दूसरी पाइप है, एक लंबी सी पाइप ले लेनी है आपने और उसको इसके आउटर पोर्ट में फिट कर देना, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे कि इस फिल्टर में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। पानी की सप्लाई को ऑन किया, पानी फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से इस फिल्टर से काफी अच्छा फ्लो आ रहा है, ठीक है। इतना फ्लो आए दैट मीन्स आपका जो ये फिल्टर है वो चोक नहीं हुआ है, अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। या यदि अगर ये फ्लो काफ़ी कम आए, ठीक है, या बूंद बूंद आए, या बिल्कुल पानी आपके इस फिल्टर के आउटलेट से आपको ना मिले, दैट मीन्स ये फिल्टर आपका चोक हो गया है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको ट्रबल शूट करने का, कि कैसे आपका पता चलता है इस तरह से आपको कि ये फिल्टर आपका चोक है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आप सप्लाई को बंद कर दीजिए, फिल्टर की पाइप आउटलेट से खोल लीजिए, सेम उसी तरह से इनलेट पे भी पाइप को निकाल लीजिए आपकी, ठीक है। और जो पाइप खोली थी आपने कनेक्शन, उसको वैसे ही रख लीजिए। सेम उसी तरीके से आप दूसरी कार्ट्रेज जो कि सेडमेंट कार्ट्रेज है उसको भी चेक कर सकते हो। इसके इनलेट में अब पानी की सप्लाई की पाइप को लगा लीजिए, ठीक है। और जो आउटलेट है उसकी आउटलेट पे भी आप जो दूसरी आपकी पाइप है जिससे कि आपको पानी बाहर निकालना है उसको लगा लीजिए। और अगेन वही कॉन्सेप्ट, पानी की सप्लाई को ऑन किया पीछे से, अब आपने चेक करना है इस पाइप में कितना फ्लो आ रहा है, ठीक है। इस फिल्टर के आउटलेट से भी आपको काफ़ी अच्छा फ्लो मिल रहा है, दैट मीन्स ये फिल्टर भी आपका चोक नहीं हुआ है, अच्छी तरह से वर्किंग में है, ठीक है। नया फिल्टर, यदि इसमें भी अगर आपको बूंद बूंद से पानी मिले या पानी का फ्लो बहुत कम आए या आना ही बंद हो जाए, दैट मीन्स ये फिल्टर आपका चोक हो चुका है, ठीक है। पानी की सप्लाई को बंद कर दीजिए,
बिल्कुल और इस पाइप को निकाल लीजिए यहाँ से, और इस पे जो भी आपने कनेक्शन खोला था उसको दोबारा से इनलेट कर लीजिए, ठीक है। सेम उसी तरह से जो इनलेट पे जो आपने कनेक्शन किया है पानी का, उसको निकाल के इसकी पाइप को दोबारा से लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीसरी मेम्ब्रेन है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनलेट पे जो आपकी पाइप लगी है उसको निकाल लीजिए और पानी की सप्लाई वाली पाइप को लगा लीजिए, ठीक है। आउटलेट पे जो आपकी पाइप लगी है उसको भी इसके बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो आप यूज़ कर रहे हो पाइप चेक करने के लिए उसको लगा लीजिए, ठीक है। अगेन आपको पानी की सप्लाई को ऑन करना होगा और डायरेक्टली इसमें पानी जाएगा इनलेट से होता हुआ आउटलेट। इसका भी आप फ्लो चेक कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लो मिल रहा है आपको, जमीन से फिल्टर आपका चोक नहीं है, अच्छी तरह से वर्किंग में है। यदि इसमें भी आपकी फ्लो कम हो जाए या बूंद बूंद आए और या बंद हो बिल्कुल बिल्कुल आए ना इस फिल्टर से, दैट मीन्स आपका ये फिल्टर चोक हो गया है, ठीक है। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट से आप प्यूरीफायर में कोई सा भी फिल्टर है उसकी ट्रबल शूट करके उसको पता लगा सकते हैं कि ये फिल्टर चोक हुआ है या नहीं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब इसको निकाल लीजिए, उनकी पाइप को लगा दीजिए जो आपने कनेक्शन खोले थे, उनको टाइटली फिट करना है आपने, लगा लीजिए, ठीक है। जो इनलेट था आपका प्यूरीफायर में लगा लीजिए। इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हो अपने किसी भी फिल्टर को कि वो चोक है या अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यदि आपको इनमें से कोई सा भी फिल्टर चोक मिले तो आपने उसको कैसे रिप्लेस करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सेडिमेंट फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर आपका चोक हो चुका है इस प्यूरीफायर में, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्यूरीफायर है, इसमें आपका जो सेडिमेंट फिल्टर है ये आपको चेंज करना है, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको चेंज करने के लिए इसको ऑनलाइन स्टोर से हम आ रहे हैं ऑर्डर करना होगा जो आपको पैकेज में मिलेगा, या आपने जैसे कि अगर तीनों फिल्टर आपने इस प्यूरीफायर के चेंज करने हो उसके बारे में बता देते हैं आपको कि कैसे आप उनको चेंज करोगे, ठीक है। तो एक किट होती है हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, यूएफ प्यूरीफायर की एक किट होती है तीन फिल्टर की, तो उस किट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि कैसे उसको आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर से जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको इस तरह से पैकेज मिलेगा यूएफ किट का, ठीक है। उस किट में से आपको तीन फिल्टर मिलेंगे, एक कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो और इनके साथ में 6 पोस्ट फिट एल्बोज मिलेगी, ठीक है, जो कि आपकी इन फिल्टर में फिट होती है, ठीक है। इसके साथ में आपको एक इंस्टॉलेशन गाइड किट मिलेगी, ठीक है, जिसमें कि पूरी डिटेल में इन फिल्टर के बारे में बताया गया है, क्या है ये फिल्टर, क्या है इनके बारे में, जो भी पैकेज में जो आपके कंटेंट है वो उसके बारे में डिटेल दी गई है, कैसे आप इनको फिट करेंगे अपने इस प्यूरीफायर में वो पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी गई है, ठीक है। दो URL लिंक्स भी दिए गए हैं कैसे ये जो पुश फिट फिटिंग्स हैं कैसे आपके इन फिल्टर में फिट होती है, उसके URL लिंक्स भी हैं जो कि YouTube पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। और डायग्राम से भी आपको बताया गया है कि कैसे आप इनको फिट करेंगे, ठीक है, बेसिकली। और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करके आप इन फिल्टर को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने प्यूरीफायर में जो, ठीक है। तो बेसिकली इन फिल्टर के बारे में बता देते हैं हम आपको,
जो आपका एक कार्बन फिल्टर है, ठीक है, कार्बन फिल्टर आपका, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फील्ड होती है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू 1200 से 1400 IV है आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो इस कार्बन फिल्टर, ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, पानी जो आपका फीड वाटर है, पानी में से हार्मफुल केमिकल कंटामिनेशन को रिमूव करता है, लाइक क्लोरीन, क्लोरामाइन, फ्लोराइड्स को रिमूव करेगा पानी में से, ठीक है। तो एक्वागार्ड की कुछ मॉडल में इस कार्बन फिल्टर का नाम जो है केमी ब्लॉक कार्ट्रिज फिल्टर है, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, जो केमी ब्लॉक कार्ट्रिज फिल्टर है वही आपका कार्बन फिल्टर है। सेकेंड आपका सेडिमेंट फिल्टर, सेम सेडिमेंट फिल्टर को एक्वागार्ड के कुछ मॉडल में क्लेरिटी कार्ट्रिज फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो क्लेरिटी कार्ट्रिज फिल्टर है वही हमारा सेडिमेंट फिल्टर है, ठीक है। ये सेडिमेंट फिल्टर हमारा, इसमें प्रीमियम ग्रेड 8 इंच पॉलीप्रोपलाइन फैब्रिक फिल्टर लगाया है, ठीक है, जो कि पानी में से आपकी जो पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ है लाइक सैंड, सिल्ट, ठीक है, डर्ट और एल्गीज पार्टिकल्स को रिमूव करता है ये फिल्टर हमारा, ठीक है। और थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्टर इसमें लगा हुआ है, जिसमें कि माइक्रो स्केल पोर्ट साइज की एक मेम्ब्रेन लगी है, जिसका पोर्ट साइज 0.01 से 0.1 माइक्रोमीटर तक का है, ठीक है। वो आपके पानी में से जो माइक्रोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है, सॉरी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन लाइक वायरस है, ठीक है, जर्म्स हैं और अदर माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको रिमूव करता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जो हमारा कार्बन फिल्टर है वो फुली फिल्ड है, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो सेव करके, आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। जो मार्केट में आपको फिल्टर मिलते हैं वो आधे भरे होते हैं, ठीक है, उनको हिलाएंगे तो आप उनके अंदर जो कार्बन है वो हिल जाती है, ठीक है। तो वो फिल्टर, उन बाज़ार के फिल्टर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो पानी है इनलेट से उतर हुआ ऊपर ऊपर से ही, क्योंकि जो कार्बन है वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर से पानी आपके आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से जो केमिकल कंटामिनेशन है रिमूव नहीं होती है पानी में से। तो हमारा फिल्टर फुली फिल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन फिल्टर को आप कैसे करेंगे, के लिए सबसे पहले आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को और इनपुट फिट टाइप फिटिंग को कैसे फिट करेंगे, 1x1 फुली प्रेस करना है इसको, ताकि ये जो गैप है वो कम रहे, ठीक है। इस तरह से दूसरी तरफ भी, फिर आपका सेडिमेंट फिल्टर, ठीक है, उसी तरह से आपका कार्बन फिल्टर, इस तरह से। अब इनकी फिटिंग करने के बाद आपको ये जो कार्बन फिल्टर है इसकी फ्लशिंग करनी होगी सबसे पहले, ठीक है। फ्लशिंग करने के लिए इसके इनलेट पोर्ट पे आपको जो आपका पानी का कनेक्शन है पीछे से मिक्सर की वो ऑफ पोजीशन पे है, उसको आपने इसके इनलेट पे ले के लगाना है और पानी की सप्लाई को ऑन करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके कार्बन फिल्टर है स्टार्टिंग में इसमें कुछ लूज पार्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो पानी के साथ फ्लश आउट हो जाते हैं, उनको फ्लश आउट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो जब आप इसको प्यूरीफायर में लगाते हैं वो दूसरे आपके फिल्टर आगे के जो भी फिल्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर सकता है या उनकी लाइफ को कम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक 2 या 3 मिनट इसको फ्लश आउट करना है, ताकि जो लूज कार्बन पार्टिकल्स है वो फ्लश आउट हो जाए, ठीक है। इसको करने के बाद आपको डायोडर वालों को ऑफ कर दीजिए, पानी की सप्लाई को बंद करके इस फिल्टर को आप गेन जो आपकी सप्लाई होगी इसको आपने प्यूरीफायर में लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी फ्लशिंग कर सकोगे। इसके लिए जब भी आपने कार्बन फिल्टर को चेंज करना है, नया कार्बन फिल्टर लगाना है आपने प्यूरीफायर में, तो इसकी फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप कैसे फिल्टर को चेंज करोगे 1x1, उसके लिए
आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे कि हॉरिजॉन्टली लगे, कई प्योरीफायर में ये वर्टिकली भी लगे होते हैं फिल्टर, बहुत सारे मॉडल्स में वर्टिकली भी लगे होते हैं। तो उस केस में आपको तो कुछ मॉडल्स में ये वर्टिकली भी लगे होते हैं फिल्टर आपके, ठीक है, तो उस केस में भी आप इनको फिट कर सकते हैं। आपने बस जो ध्यान वाली बात है वो जो फ्लो है आपका किस तरफ है ये ध्यान में रखना है। आप वर्टिकली भी आप इनको फिट कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे ये फिल्टर हैं वो काफ़ी सारे मॉडल्स में फिट हो जाते हैं, जैसे कि एक्वागार्ड है, कैंट है, नास्का है, ठीक है, और ल्यूमिनस लैब पेयर के बहुत सारे ब्रांडेड मॉडल्स में, और नॉन ब्रांडेड जितने प्योरीफायर हैं उन सब में हमारे फिल्टर फिट हो जाते हैं, ठीक है। एक्वाडाइन के फिल्टर फिट हो जाते हैं जी। तो अब कैसे इनको फिट करेंगे वन बाई वन, सबसे पहले तो कार्बन फिल्टर इसके इनलेट पोर्ट को और आउटलेट पोर्ट में से पाइप को निकालने के बाद आप इसमें जो कार्बन फिल्टर है उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद सेम उसी तरह से ही आप इसको लगा लीजिए, ठीक है। इसको लगाने के बाद इसको कर लीजिए और जो आपने एल्बो में से फिटिंग निकाली है उनको फिट कर दीजिए। इसमें प्रॉपरली फिट करना है ताकि कनेक्शन आपका लूज ना रहे, ठीक है। इसी तरह से आपने सेडिमेंट फिल्टर को चेंज करना है, जो आपकी एल्बोस है उसके ओरिंग को आपने प्रेस करके इस पाइप को बाहर निकाल खींचना है, ठीक है। और इस तरह से आप ये जो सेडिमेंट फिल्टर है इसको निकाल के दोबारा इसकी जगह सेम उसी फ्लो में अपने सेडिमेंट फिल्टर इसमें लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से आप सेडिमेंट फिल्टर को इसमें फिट कर सकते हो। अब जो आपने कनेक्शन खोले थे उनको प्रॉपरली फिट कर लीजिए, ठीक है, दोनों एंड पे। दोनों तरफ फिट करने के बाद आपका ये सेडिमेंट फिल्टर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप अपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को भी चेंज कर सकते हो। इसको सीखिए, पाइप को खोल लीजिए और इस मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालते बार इसके फ्लो को देख लीजिए कि इस फ्लो इस डायरेक्शन में, तो सेम एज आपको इसी डायरेक्शन में आपकी जो नई मेम्ब्रेन है उसको लगाना होगा, ठीक है। लगाने के बाद कनेक्शन दोबारा कर लीजिए प्रॉपरली और आउटलेट को भी कनेक्शन कर लीजिए, ठीक। इस तरह से आप वन बाई वन ये फिल्टर की किट इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्योरीफायर में बिना किसी टेक्नीशियन की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। अब चेक को कंफर्म करना है कि जो कनेक्शन है आपकी वो सही से हुए या नहीं, इसके लिए आपको अपने प्योरीफायर की जो इनलेट पानी की सप्लाई है डायवर्टर वाल्व से ऑन कर लीजिए और अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन कर लीजिए ताकि इसमें पानी आना शुरू हो जाए, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए कहीं से लीकेज तो नहीं, लीकेज होगी तो पानी की सप्लाई बंद करके उस पोर्शन में से जो लीकेज हो रही हो उसमें से आपको वो जो फिटिंग है वो टाइट फिट करनी है, ठीक है। अगर लीकेज ना हो दैट मीन्स आपके कनेक्शन प्रॉपरली फिट हुए हैं। इस तरह आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बाद प्योर वाटर मिलेगा, ठीक है।
नाउ आपका फिल्टर पूरी तरह से प्रॉपरली फिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने लाइट को बंद कर देना है पानी की, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये जो पाइप है कनेक्शन आप प्यूरीफायर को कर लीजिए, ताकि आपका जो प्योर पानी है इस स्टोरेज टैंक में आना शुरू हो जाए, ठीक है। जब आपका स्टोरेज टैंक में से आप शुरू में जब फिल्टर आपने चेंज किए हैं तो उसका पानी आपने पीने के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। दो तीन बकेट इस स्टोरेज टैंक से आपने फ्लश आउट कर देनी है, उसके बाद जो भी पानी होगा उसको आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर फिट हो गए हैं आपके फिल्टर, उसके बाद आप इसको कवर अप कर लीजिए, इसको कवर करके बंद कर लीजिए, ठीक है। और बंद कर प्रॉपरली बंद करने के बाद इसको आप जहाँ पे भी आपने इसको वॉल पे माउंट किया है तो वॉल पे कर लीजिए, या सेल्फ पे रखा है तो वहीं पे रख लीजिए, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी फिल्टर आपका चोक हो जाए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से उसको परचेज कर सकते हो, और इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे वन बाई वन चेंज किए हैं फिल्टर, उसी तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि कैसे आप प्यूरीफायर की ट्रबल शूट करेंगे, कि कौन सा फिल्टर आपका चोक हुआ है, ठीक है, और कैसे उन फिल्टर अगर कोई चोक हुआ मिले आपको तो कैसे आपने उसको चेंज करना है अपने प्यूरीफायर का, ठीक है, किसी बिना किसी टेक्नीशियन की हेल्प से, ठीक है। होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी प्यूरीफायर की सर्विस करने के लिए अपने आप, ठीक है। तो हमारी अगर आपको ट्रबल शूटिंग करती बार या इन फिल्टर की इंस्टॉलेशन करती बार कोई सी कभी भी कोई डिफ़िकल्टीज आए या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि इस इंस्टॉलेशन गाइड किट में दिया गया है, ठीक है। इस पे आप टेलीफोनिकली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9728755877, ठीक है, या आप हमें ईमेल कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पे help@acordine.in, ठीक है, help@acordine.in, ठीक है, .in। तो उस पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ओके, थैंक यू।